बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर जो है वो हम लोगों ने सेक्स लिंकेज का स्टार्ट लिया हुआ था, और इसके अंदर जो है अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम लोगों ने कहा था कि जी हमारे पास जो ट्रेट्स यानी अलील्स या जीन्स जो हैं वो अगर आप कह सकते हैं क्रोमोसोम यानी सेक्स से रिलेटेड है, हमने कहा था उन्हें हम सेक्स लिंक यानी सेक्स लिंकेज हम कहते हैं। उसको फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने कहा था कि एक हमारे पास एक्स लिंक्ड होता है और दूसरा हमारे पास वाई लिंक्ड होता है। एक्स लिंक्ड वो आप कह सकते हैं ट्रेट्स हैं, एक्स लिंक्ड वो आप कह सकते हैं जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच थी। लाइक हमने कहा था कि जिस तरह कलर ब्लाइंडनेस की है, इसी तरह हीमोफीलिया की है, तो वो एक्स के साथ होती है। तो हमने कहा था लिंक को हम इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं डिनोट करते हैं। अच्छा, रीड करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो वाई था, वाई में हमने कहा था कि जी एस आर वाई हमारे पास है, और उसके बाद हमने कहा था कि जी कुछ ऐसी हैं जो कि एक्स और वाई दोनों पे हैं, तो उसको हमने कहा था कि एक्स वाई लिंक्ड, या हमने कहा था कि सोडो ऑटोसोमल थी। देन हमने प्रूव किया था आप कह सकते हैं कि जो एक्स लिंक्ड है, यानी हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट लिए थे जिसके अंदर हमने कहा था कि जी टी एच मॉर्गन जो है इसने क्या किया था कि ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि वाकई ही जो आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं यानी वो जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स क्रोमोसोम या एक्स या वाई के साथ। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे हमने कहा था कि एक्स एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल होता है, और उसमें देन फर्दर हमने कहा था कि जी जो ड्रोसोफिला में टी एच मॉर्गन ने कहा था कि रेड आई कलर हमारे पास होता है और वाइट आई कलर है, रेड आई कलर डोमिनेंट है और वाइट आई कलर जो था वो हमारे पास रिसेसिव था। अच्छा, ऑर्गेनिज्म हैविंग नॉर्मल करेक्टर हमने कहा था हम उसे वाइल्ड टाइप कहेंगे, नॉट हैविंग नॉर्मल करेक्टर ठीक है उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स थे उनको थोड़ा सा स्टार्ट लिया था। हमने कहा था कि जी जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू जब राउंड रिंकल को क्रॉस करने के बाद ऑल वर प्रोड्यूस राउंड, देन उसने F1 को F1 के साथ किया तो उसमें हमारे पास क्या आया कि थ्री ऑफ देम वाज राउंड एंड वन ऑफ देम वाज रिंकल्ड। अच्छा, अब टी एच मॉर्गन ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पे किए, जिसमें रेड आई फीमेल को क्रॉस किया गया वाइट आई मेल के साथ, और क्रॉस करने के बाद ऑल इन F1 वाज क्या थे, रेड आई थे, यानी वो मेल हो या फीमेल हो वो सारे के सारे क्या थे, रेड आई थे। फिर F1 को F1 के साथ क्रॉस किया गया और रेड आई फीमेल, क्योंकि यहां पे सारे रेड आई थे तो मेल फीमेल, तो यहां पे क्या किया गया, रेड आई फीमेल और रेड आई मेल यहां से उठाया और उसको आपस में क्रॉस किया और F2 प्रोड्यूस की, जिसके रिजल्ट में आया कि रेड आईड जो हमारे पास थे वो 3 आप कह सकते हैं 1470 थे और वाइट आईड 782 थे। अब इनकी अगर हम सिंपली रेशियो देखेंगे तो वो हमारे पास जो रेशियो आ रही थी वो जो मेंडल के क्रॉस थे मोनोहाइब्रिड उससे डेविएट कर रही थी। ठीक, और ये जो डेविएशन थी, इस डेविएशन ने एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि टी एच मॉर्गन को एक आप कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर किया कि देर मस्ट बी अलील्स दोज फाउंड इन आप कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, इसके बाद फर्दर इसने हाइपोथेसिस दिया, और हाइपोथेसिस के अंदर जो है टी एच मॉर्गन के इसने ये कहा कि जी जो आई कलर है जीन ओनली फाउंड एट एक्स क्रोमोसोम नॉट ऑन वाई या ऑटोसोमल। अब हमने इसको प्रूव करना है, यानी
विद द एक्सपेरिमेंट जो क्रॉस मेंडल ने किए, सॉरी टीएच मॉर्गन ने किए थे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने सिंपली फिनोटाइप्स के थ्रू जो है वो क्रॉस किए थे। मैं अब यहाँ पे इनको जीनोटाइप असाइन करूंगा, जिस तरह मेंडल ने जो है वो किया था, ठीक है। अब रेड आई फीमेल है, ठीक है, रेड आई फीमेल है, तो इस केस में जब हम जीनोटाइप असाइन करेंगे, देखें जब हम, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जब भी हम लिंक्ड की बात करेंगे तो हम इस तरह से क्रोमोसोम्स, जो एक्स क्रोमोसोम है उसको जो है वो क्या करते हैं, लिखेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूं, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास रेड आई फीमेल अगर है, उसको मैं कैसे लिखूंगा, देखें फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, उसके बाद रेड आई है, फिर हमने ये भी कहा कि रेड आई डोमिनेंट होता है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने कहा जी के जो मेल है, ठीक है, वो क्या है, वो वाइट आई है, ठीक है, वाइट आई मेल, और वो है स्मॉल आर वाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो रेड आई आप कह सकते हैं फीमेल थी, वो कैपिटल आर है, और वाइट आई जो मेल है वो स्मॉल आर वाई है। अब हमने यहाँ, अब ये जरा गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे हमने एक्स आर लिखा है, स्मॉल आर, और यहाँ पे इस पे हमने स्मॉल आर नहीं लिखा। रीजन क्या है, हमने यहाँ पे लिखा था आई कलर जीन ओनली फाउंड एट एक्स। अब अगर आर हमारे पास लेट्स सपोज जीन है, तो इट मस्ट बी फाउंड ऑन एक्स नॉट ऑन वाई। यही चीज थी जो कि एक्चुअल में टीएच मॉर्गन को मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट से उससे थोड़ी सी डेविएट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर वाई, वाई के ऊपर अलील उसने कहा था नहीं है, नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे हम जीनोटाइप लिखेंगे रेड आई फीमेल की, वो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल आर, ठीक हो गया, और एक्स कैपिटल आर। व्हाइट आई मेल की जो लिखेंगे वो लिखेंगे स्मॉल आर वाई। अब इसके अगर हम क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, और गैमीट्स के लिए हम देखेंगे इसको हम स्प्लिट करेंगे, कैपिटल आर ये एक गैमेट, कैपिटल आर ये दूसरा गैमेट, इसी तरह स्मॉल आर और देन कैपिटल वाई। अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया क्रॉस, और क्रॉस के अंदर देखा कि इस तरफ हम लिखेंगे एक्स कैपिटल आर, ये फीमेल का, फीमेल के जो गैमेट्स हैं, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे मेल के गैमेट्स, तो वो आएंगे एक्स स्मॉल आर वाई। नाउ अब हम इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ आप कह सकते हैं, आप कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, ये रिजल्ट आया, इसी तरह इसको इसके साथ कर देंगे, ये आएगा एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ कर देंगे एक्स कैपिटल आर वाई, बिकॉज वाई डोंट हैव एलील, उसके बाद एक्स कैपिटल आर वाई, ठीक हो गया। अब अगर हम इनकी फिनोटाइप देखें, तो कैपिटल आर ने स्मॉल आर के इफेक्ट को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगी जी, ये रेड फीमेल होगी। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के इफेक्ट को हाइड कर देगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेड फीमेल हो गई। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे कैपिटल आर आ गया है, सही, तो ये मेल होगा, बट दैट मेल शुड बी रेड। इसी तरह यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रेड हो गया, समझ आ गई। तो अब अगर आप गौर से देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सारे के सारे, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, हमने कहा था ऑल वर रेड, इवन वो मेल है या फीमेल है,
तो इस तरह से बाय द क्रॉस ये चीज प्रूव होती है कि हमारे पास वो सारे के सारे जो है वो क्या आते हैं, मेल और फीमेल रेड आते हैं। अब उसने क्या किया था, F1 को F1 के साथ यानी रेड आई फीमेल, यहां से इसको उठाया फीमेल को, और F1 मेल यानी जो रेड आई तो इसको उठाया, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया। अब हम इसको क्रॉस करते हैं। अच्छा, रेड आई फीमेल जो हमने यहां से पिक की, ठीक है, वो हमारे पास आएगी एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और मेल जो होगा वो क्या होगा, एक्स कैपिटल आर वाई। अच्छा, अब हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, और जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो इसके गैमेट्स अगर हम बनाएंगे तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल आर, इसी तरह एक्स कैपिटल आर, इसी तरह वाई। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पिरामिड स्केल ड्रॉ किया और इसके अंदर F1 प्रोजेनी को क्रॉस किया। हमने क्या किया कि यहां से हमने गैमेट्स लिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई, ये गैमेट्स, इन चारों को उठाया और यहां पे हमने इसको क्रॉस कर दिया, और हमने कहा जी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई, यही यहां पे भी सेम था। अच्छा, यहां पे आप देखें, अब कैपिटल आर है इसी तरह, यानी हमने इसको क्रॉस किया तो ये आ गया, इसको क्रॉस किया ये रिजल्ट आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको क्रॉस किया तो कैपिटल आर वाई आ गया और एक्स स्मॉल आर वाई आ गया। अब अगर हम इसके फिनोटाइप देखें, ये हमारे पास क्या है, रेड फीमेल, ये क्या है जी, रेड फीमेल, यहाँ पे क्या है, रेड मेल, और यहाँ पे क्या है, वाइट वाइट मेल। वाइट मेल किस तरह, क्योंकि यहां पे क्या आ गया है, स्मॉल आर आ गया है, और स्मॉल आर ने आप कह सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को जो है वो होने देगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल तो है ही नहीं है। अच्छा, अब यहां पे लग ऐसे ही रहा है कि 1 2 3 लग ऐसे ही रहा है कि ये 3:1 आती है और आनी भी चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां जिस तरह ये उसने क्रॉस किया था 3:1 नहीं थी, बट अगर हम ओवरऑल रेशियो हम देखते हैं, जब हम उसकी ओवरऑल जो क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं, तो हमने कहा था कि रेड आई जो आए थे यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, इस रीजन पे हमने कहा था इस क्रॉस में F1 वर्सेस F1 था, तो इसमें 3,074 ये आया था, और ये आए थे रेड, और हमारे पास 782 जो है वो हमारे पास क्या थे, वाइट थे, और इसकी रेशियो जो निकली थी वो मैंने बताया था लास्ट डे में 4.525 के इन बिटवीन में आती है टेन वन। अब ये रेशियो जो है वो हमारे पास यहाँ पे डेविएट करती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होता है, जो TH जो मॉर्गन था उसके माइंड में आया, मॉर्गन ने सोचा, ठीक है, उसने क्या सोचा, उसने कहा कि देखें मैंने पहले भी क्रॉस किया, ठीक है, और बहुत सारे क्रॉस किए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो रेड फीमेल रेड फीमेल रेड मेल रेड मेल, फिर यहाँ पे देखेंगे तो रेड फीमेल रेड फीमेल रेड फीमेल वाइट मेल। उसने कहा कि यार देखो F1 आप क्रॉस कर रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे रेड जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए किसके अंदर, वाइट जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए फीमेल के अंदर, यानी यहाँ पे हम एक चीज लिखने लगा हूँ, मैं इसको जरा गौर से देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर वर नो वाइट आई फीमेल, समझ आ गई, यहाँ पे कोई भी व्हाइट आई फीमेल नहीं थी इसके रिजल्ट्स में, ठीक है। अब इसने पहले तो ये सोचा कि हो सकता है कि जो व्हाइट आई फीमेल है वो डेड हो जाती हो, यानी वो हो सकता है वो बनती ही ना हो, वो प्रोड्यूस ही ना होती हो, और इनिशियली हो सकता है किसी वजह से जो है वो क्या हो गई हो, वो मतलब आप कह सकते हैं कि डेड हो जाती हो। अब इसने क्या किया, इसने किया टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसने क्या किया हमारे पास टेस्ट क्रॉस किया। नो
टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ठीक है, टेस्ट क्रॉस हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इसने किया। टेस्ट क्रॉस बाय द वे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस होता है हमारे पास, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है, हाइब्रिड ऑफ F1 वर्सेस रिसेसिव पेरेंट। अभी और से सुनना है, हाइब्रिड ऑफ F1। अब हाइब्रिड ऑफ F1 क्या है, पहले तो इसको उठा के लाते हैं, हाइब्रिड ऑफ F1। ठीक है, हम वापस के, ये F1 है, इसमें हाइब्रिड कौन सी है जी, ये आपको नजर आ रही है, समझा कि ये हमारे पास क्या है, ये हाइब्रिड है, समझा कि ना। अब ये हमारे पास हाइब्रिड है, हमने इसको लिया यहां पे, ठीक है, और ये बनेगी हमारे पास एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, और रिसेसिव पेरेंट वो क्या होगा जी, मेल हम लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पे देखें, अगर आपको ये स्टार्ट में ये F1 का पहले तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाइट आई मेल हमारे पास क्या है, ये रिसेसिव है, स्मॉल आर है ना, तो ये क्या है, रिसेसिव है। तो इसको उसने क्रॉस किया F1 का जो रिजल्ट आया था ना उसके हाइब्रिड के साथ, ठीक हो गया। तो हम यहाँ से अब इसको लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये आ गया स्मॉल आर वाई। अब जब इसने इस हाइब्रिड को इस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इस हाइब्रिड को जब हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। नाउ अब हम टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट देखेंगे, देन हमें कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे हमने इसके गैमेट्स बनाए, ठीक है, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर, देन इसके गैमेट्स बनेंगे मेल में स्मॉल आर वाई। और पिनेट स्केयर के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है, यहां पे आ जाएगा लेट्स सपोज फीमेल के गैमेट्स, यहां पे आ जाएंगे मेल के गैमेट्स, ठीक है, और हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल आती है। अच्छा ये हम क्रॉस करेंगे इसको, इसके साथ तो ये आएगा एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हम क्रॉस करेंगे ये आएगा एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर। देखो यहाँ पे भी स्मॉल आर है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल आर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा एक्स कैपिटल आर वाई, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा एक्स स्मॉल आर वाई। और जब हम इनकी फिनोटाइप्स देखेंगे तो फिनोटाइप्स को देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, रेड, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल, यहाँ पे ये क्या है, रेड मेल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये देखो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वाइट फीमेल, समझ आ गई, ये क्या होना चाहिए, व्हाइट फीमेल। अब व्हाइट जो फीमेल आई है ना, ये इंडिकेशन है कि व्हाइट आई फीमेल जो है यहां से जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये एक्चुअल में उसने कहा कि जी टेस्ट क्रॉस के थ्रू ये प्रूव हो गया कि वाकया ही जो है वो हमारे पास व्हाइट आई फीमेल एग्जिस्ट कर सकती है। पहले जो अजम्पशन थी इसने सोची थी कि जी व्हाइट आई फीमेल हो सकता है डेड हो जाती हो, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। अच्छा उसके बाद ये क्या हमारे पास है जी, ये भी वाइट आई हमारे पास क्या है, मेल है, समझ आ गई इस बात की। यानी अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मेंडल के क्रॉस के अंदर, जब मेंडल के क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट आता है वो आता है 1:1, ठीक है, या ये मोनोहाइब्रिड में आता है मोनोहाइब्रिड, और जब हम डाई हाइब्रिड की बात करते हैं तो उसमें आता है 1:1:1, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। ये किस तरह से आती है, इसको पढ़ने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस देखने पड़ेंगे मेंडल के लिए, ठीक है। खैर हम इसको शॉर्ट करते हैं, ये देखें जरा,
यहाँ पे ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ठीक है। हम फिर फिलहाल जेंडर को नहीं देखते, हम कहते हैं कि जी दो हमारे पास रेड है, दो ही हमारे पास क्या है, व्हाइट है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो क्या आती है, 1:1। मगर इस केस के अंदर, टीएच मॉर्गन के केस के अंदर याद रखना है, ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि उसने हमारे पास जो रेशो ऑब्टेन की थी, यानी जो ओवरऑल जो फ्लाइज थी, ठीक है, उसने देखा कि ओवरऑल जो आप कह सकते हैं फ्लाइज प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उन फ्लाइज के अंदर हमारे पास जो है वो 129 हमारे पास क्या है, रेड आई फीमेल है, ठीक है, 129 रेड आई फीमेल है। इसी तरह 132 हमारे पास क्या है, रेड आई मेल है, ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो व्हाइट आई थी, वो हमारे पास आई थी व्हाइट आई फीमेल, वो आई हमारे पास 88। और इसी तरह जो व्हाइट आई मेल थी, वो हमारे पास आई आप कह सकते हैं 86, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसकी रेशो 1:1:1:1 के इक्वल नहीं आती, जो हालांकि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट ये होता है, ये आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये जो प्रोड्यूस हो रही है, इनके केस में हमारे पास ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि 1:1:1 ये आए, ठीक है। तो अब बहरहाल ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये 1:1:1:1 नहीं थी जो कि टेस्ट क्रॉस की आनी चाहिए। अब मॉर्गन एक दफा फिर जो है कंफ्यूज हुआ कि यहाँ पे क्या मतलब पॉसिबिलिटी है, क्या ये हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है। पर इसने क्या किया कि जब व्हाइट आई फीमेल प्रोड्यूस कर ली ना, ठीक है, इसने एक और क्रॉस किया, ठीक है। वो क्रॉस क्या था जिससे ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो गई, और वो क्रॉस क्या था, उस क्रॉस को नाम दिया गया रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैं दोबारा से इसकी शुरू से जब सारी चारों क्रॉसेस को एक ही स्ट्रीम लाइन पे लेके आऊंगा, तो देन आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये इस तरह से वाकई ही जो है वो हमारे पास एग्जिस्टेंस चल रही थी। अच्छा, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या था कि उसने ना जेंडर्स को क्या कर दिया, उल्ट कर दिया, ठीक है, जेंडर्स को क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। पहले अगर आप यहां पे लेके जाओ, यहां यहां देखो, यहां पे पहले क्या था, रेड आई फीमेल थी और व्हाइट आई मेल था, उसने उल्टा कर दिया, उसने क्या किया, व्हाइट आई फीमेल और रेड आई मेल, ठीक है। तो उसने क्या किया, व्हाइट आई फीमेल वर्सेस रेड आई मेल, ठीक हो गया। अब व्हाइट आई फीमेल में जो जीनोटाइप आती है उसने ली, जो टेस्ट क्रॉस के थ्रू उसने उठाई थी, इन फीमेल्स को उठा लिया, और वो हमारे पास, उसके अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो वो हमारे पास आनी चाहिए स्मॉल आर स्मॉल आर, और रेड आई मेल की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैपिटल आर वाई। अब इसके गैमीट्स अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा स्मॉल आर स्मॉल आर, इसी तरह इसके गैमेट्स अगर हम बनाएंगे तो कैपिटल आर वाई, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम इसका पिनेट स्क्वायर के थ्रू क्रॉस करेंगे, तो इन द क्रॉस हमारे पास यहां पे आएगा एक्स कैपिटल आर, सॉरी एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल आर वाई। जब हम क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं तो ये आता है एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इसके साथ करेंगे एक्स स्मॉल आर, ठीक है, वाई, और फिर इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर वाई। अब रिजल्ट्स बड़े ही आप कह सकते हैं हटके थे,
रिजल्ट देखती है जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब जरा लेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपने, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है रेड आई फीमेल, ठीक है, और ये भी क्या है, ये रेड आई फीमेल है। यहाँ पे क्या है, ये वाइट आई मेल है, और ये भी क्या है, ये वाइट आई मेल है। समझ आ गई इस बात की। अब यहां से हमारे पास एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है, देखो अगर फर्ज कर लें ठीक है, कि जो आर इस ये वाली जो अलील है, ठीक है, ये वाली जो अलील है ये वाई के ऊपर भी होती, गौर से सुनने, मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूं। देखो अगर हमारे पास जो रेड आई मेल की, ठीक है, जो जीनोटाइप है वो ये है, ठीक है, अगर फर्ज कर ले, लेट अज्यूम आर इज रिजाइडिंग ऑन वाई एज वेल, ठीक है, वाई एज वेल, अगर वाई के ऊपर भी, ठीक है, अलील मौजूद होती तो फिर क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था एक्स स्मॉल आर और वर्सेस एक्स कैपिटल आर, यानी वाई के ऊपर भी अलील होनी चाहिए थी, और उसका रिजल्ट क्या होता, ये आपको सारा कुछ क्लियर करके बता देगा। ये देखिएगा यहाँ पे हम इसको अगर क्रॉस करके देखते हैं, इसके गैमेट्स बनाए, हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया, ठीक हो गया, उसके बाद कैपिटल आर और उसके बाद कैपिटल वाई, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर क्रॉस करेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये क्या होना चाहिए, ये कैपिटल आर है, इसकी वजह से ये भी रेड होगा, इसका ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, मगर जो एक्चुअल रिजल्ट थे वो ये थे कि उसमें जो मेल थे ना वो हो गए वाइट, हालांकि मेल क्या था यहाँ पे, रेड था, सही, और जो फीमेल थी वो वाइट थी, वो क्या हो गई, रेड हो गई, यानी उल्टा हो गया सारा। तो इससे अजम्पशन क्या होती है कि अगर, गौर से सुनना है, अगर वाई पे अलील मौजूद होती तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, मगर ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि वाई के ऊपर अलील एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक्स लिंक्ड है, ये गलत होगा, समझ आ गई, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है, और इससे ये प्रूव होता है कि आई कलर की जीन ओनली फाउंड एट एक्स क्रोमोसोम नॉट ऑन वाई या ऑटोसोमल, ठीक हो गया, ये एक चीज जो है वो याद रखनी है आपने। तो इस तरह से मॉर्गन ने ये प्रूव किया कि जो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, या अलील्स होती हैं, ये क्रोमोसोम्स यानी एक्स क्रोमोसोम यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर भी मौजूद होती हैं। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली, ठीक है, मॉर्गन ने क्या किया था, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स किए और ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंट में यूज करते हुए इसने क्या किया कि जी रेड आई कलर जो है वो डोमिनेंट था, वाइट आई कलर जो है वो रिसेसिव था, हमने कहा कि जी मेंडल के क्रॉस के अकॉर्डिंग जो है वो 3:1 आती है राउंड रिंकल्ड। अब हुआ क्या कि उसने रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला को वाइट आई फीमेल के साथ जो है वो वाइट आई मेल के साथ जो है वो क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उसके गैमेट्स देखे तो सारे के सारे यहाँ पे रेड आइट थे, वो मेल थे या फीमेल थे, वो सारे के सारे क्या है, रेड आइट थे। अच्छा, उसके बाद उसने जब क्या किया, F1 प्रोड्यूस की, तो पता चला कि जी 3:1 नहीं आती है, वो मेंडल के जो लॉज हैं उनसे डेविएट कर जाती है, ठीक है, और उसके बाद जब उसने यहाँ पे क्रॉस किया F1 को F1 के साथ, तो ये रिजल्ट आए जिसके अंदर जो है वो रेड आई फीमेल, ठीक है, रेड आई फीमेल, और ये जो 4.5:4 ये रेशियो हमारे पास आई। अच्छा, तो इससे ये क्या हुआ कि देर वर नो वाइट आई फीमेल, यहाँ से एक और चीज भी मिल गई थी जिसमें हमने कहा था कि वाइट आई फीमेल होती नहीं है। तो देन हम उसने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया जिसमें हाइब्रिड ऑफ F1 को रिसेसिव पेरेंट थी, ठीक है, जो कि मेल था, यहाँ पे ये हाइब्रिड है F1 का, ठीक है, F1, इस F1 का जो हाइब्रिड है
ये वाला, ठीक है, F1 का जो ये हाइब्रिड है, ठीक है, इसको लिया, और इसको लेने के बाद उसने क्या किया, क्रॉस किया किसके साथ, इस वाइट आई मेल के साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, और क्रॉस करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जी आनी तो रेशो 1:1 या 1:1:1:1 आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब नॉर्मल काउंट किया गया, ठीक है, फ्लाइज को, तो वो ये रेशो से डेविएट कर गई अगेन, ठीक है। तो उसके बाद उसने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, क्योंकि वाइट आई फीमेल प्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है, और इसको यहाँ पे जो है उसने क्या किया, वाइट आई फीमेल क्रॉस किया वर्सेस रेड आई मेल, तो रिजल्ट जो है वो क्या आया, आना तो ये चाहिए था कि सारे रेड हो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मेल सारा प्योर होमोजाइगस रेड था, मगर वाई के ऊपर क्योंकि अलील ही नहीं थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो वाई जब इस स्मॉल आर के साथ मिला तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया, और यहाँ पे कैपिटल आर जब इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी।